ये खड्डे हैं। आप सोचते होंगे क्यों खड्डे खोदे जा रहे हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, आज आपको एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ अपने इलाके में कि यहाँ एक बड़ा काम चल रहा है। आप सोचते होंगे क्यों खड्डे खोदे जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें क्या होने जा रहा है भाई। तो आप खुद सोचें, लग यूँ ही रहा है कि कोई जंग की तैयारी है और खंडकें खोदी जा रही हैं। मैंने यहाँ जो काम कर रहे थे लोग मजदूर, उनसे पूछा, भाई ये क्यों आप ये इतनी गड्ढे खोद रहे हो, खुद ना गिर जाओ तो गड़े नहीं खोदो, क्या वजह है। तो उन्होंने कहा, भाई नहीं, हमें भी पता नहीं है, लेकिन ये हमें डिज़ाइन बना के दिया गया है कि इस तरह से गड़े खोदें। इस ज़मीन को अब बहरिया ने फैसला किया है कि इसको यूज़ करें। यूज़ इस सेंस में करें कि इस जगह पे अब बनने जा रहा है अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट का आइडिया कोई नया नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में ये नया होगा, ख़ास तौर पर सिंध के अंदर। तो कराची शहर में लियारी नदी में हुकूमत सिंध ने अर्बन फॉरेस्ट का दिया है, वो यकीनन सिर्फ नाम का ही होगा, पैसे इधर उधर करने होंगे। ये बिल्कुल जो है ना, स्पोर्ट सिटी को जंगल में तब्दील किया जाएगा, जंगल ही जंगल होगा। इसलिए ये गड्ढे खोदे जा रहे हैं, इनमें दरख्त लगेंगे। अब जहाँ ये हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, यहाँ ये लगाएंगे छोटे पौधे जिनका कद छोटा हो, बहुत ज़्यादा हाइट में ऊपर ना जाएं। जो ये जो साइड है, इस पर बड़े दरख्त लगेंगे। पाइपलाइन बिछा दिए पानी के, ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम कहलाता है वैसे। इसमें कतरा कतरा पानी गिरता जाएगा, आपके पौधों को आपकी ज़रूरत के मुताबिक पानी मिलेगा। ड्रिप इरीगेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि आप ज़्यादा पानी ज़ाया नहीं करेंगे, जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से होगा। दुबई में भी यही चलता है, दुबई में बहुत सारे जो पार्क हैं या जो ग्रीनरी है, ग्रीन बेल्ट हैं, उसको इस तरह से पानी दिया जाता है। यहाँ से पानी टपकेगा और इसके पौधों के जड़ में जाएगा ना। ये मस्जिद है, नई नई बनी है मस्जिद, और इसके सामने कुछ ज़मीन को इन्होंने ना पार्किंग प्लॉट बनाया है। आप देखें ऊपर चांद। इसी हाई टेंशन लाइन के नीचे जो बिजली की जा रही है गडाब की तरफ या उससे भी आगे, ये उसके नीचे इन्होंने ये पार्किंग बनाई है गाड़ियों की। और उसके साथ आप देखें आगे मशीनरी भी काम कर रही है। ये जो मंसूबा इन्होंने शुरू किया है, ये जंगल बनाने का, जंगल में इस एरिया को तब्दील करने का, तो इससे कुछ अच्छा माहौल होगा, मतलब कि एनवायरनमेंट पे ज़बरदस्त असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। इससे जो है एनवायरनमेंट, यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, बारानी ज़मीन है, इसलिए यहाँ जब जंगल होगा तो ये ग्रीन, हरा भरा और सरसब्ज ये नज़र आएगा इलाका। ये जो विलाज हैं, इनकी कीमतों में भी जो है ना इजाफा होने का इम्कान है। अभी भी कीमतें कम नहीं हैं। यहाँ पौधे लगेंगे 21,000 पौधे, जो मुझे मालूम हुई है, भाई गलत भी हो सकती है, मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा। 21,000 पौधे इसमें लगाए जाएंगे और यहाँ पूरा जंगल होगा। वैसे नहीं कहते जंगल में मंगल, वाकई पहले जंगल में मंगल हो चुका, अब मंगल में जंगल होने जा रहा है। और यकीनन ये शहरी जंगल का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहरिया जिस तरीके का बनाएगा, वो दूसरों से, सरकारी जो मंसूबे हैं उनसे अलग होगा। अभी से ही इन्होंने इतना बंदोबस्त किया है कि इस पूरे जंगल को अस्खुद पानी मिले, ऑटोमेटिक पानी उसको मिले। इससे उनका टाइम भी बचेगा और पौधों को भी पानी टाइम पे मिलेगा। इस पूरी पट्टी में जो एक और मस्जिद भी अभी अभी तैयार हो चुकी है, होने वाली है, अभी भी इसमें मस्जिद में नमाज शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। आगे से ये फेंसिंग भी कर रहे हैं ताकि यहाँ आम लोगों की दाखला ममनू हो, या बच्चे हैं या जानवर हैं वो अंदर दाखिल ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।